दोस्तों अगर मैं लैपटॉप की बात करता हूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी ब्रांड आती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यहां पे जब भी हम किसी लैपटॉप की बात करते हैं मोस्टली दिमाग में आता है कि ये तो एचपी, डेल, लिनोवो, तोशिबा या फिर किसी बाकी बिरले के दिमाग में आ जाएगा एप्पल। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे अंडररेटेड लैपटॉप हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी देती है, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन देती है। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम ऐसी एक ब्रांड इन्फिनिक्स के बारे में जिसके नए लैपटॉप दोस्तों लॉन्च हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 नए लैपटॉप काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों आपको इन लैपटॉप्स को देख के। तो आज बात करेंगे इनके बारे में, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रेवी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इन्फिनिक्स के 3 नए लैपटॉप्स के बारे में। दोस्तों इन्फिनिक्स ने 8 दिसंबर को अपने 3 लैपटॉप लॉन्च किए हैं, इन्फिनिक्स इनबुक X1 और इन्फिनिक्स इनबुक X1 Pro। दोस्तों यहाँ पे X1 की अगर बात की जाए इसमें 2 वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं और बताया जा रहा है इसकी सेल दिसंबर 15 से स्टार्ट हो जाएगी और लैपटॉप का स्टार्टिंग प्राइस दोस्तों निकल के आया सिर्फ और सिर्फ 35,999 रुपये, यानी 36,000 रुपये से स्टार्ट होगा और जो टॉप वेरियंट है दोस्तों वो 56,000 रुपये में जाकर रुकेगा। यहाँ पर इनकी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इनमें आपको SSD देखने के लिए मिलेगी, अच्छी खासी रैम देखने के लिए मिलती है, प्रोसेसर भी दोस्तों 10th जनरेशन का यहाँ पे इंटेल का दोस्तों मिलने वाला है और इसके साथ दोस्तों यहां पे 14 इंच का एक अच्छा खासा डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाता है जो एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले है। मतलब अगर स्टूडेंट लाइफ को ले लीजिए, बिजनेस लाइफ को ले लीजिए, आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले जिसको लेके, जिसको कैरी करके आप कहीं भी जा सकते हैं। तो चलिए यहां पे सबसे पहले स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं इन्फिनिक्स इनबुक X1 की। दोस्तों अगर इन्फिनिक्स इनबुक X1 की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको विंडोज 11 देखने के लिए मिलेगी जो जनरली आजकल के जो नए लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं सब में देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे विंडोज 11 होम मिलने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलने वाले हैं, यहाँ पे i3 मिलने वाला और i5 मिलने वाला। दोनों वेरियंट के साथ आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है जिसमें आपको 300 nits की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब ब्राइटनेस से तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं दोस्तों बात की जाए तो i3 वाले वेरिएंट में आपको 8GB LPDDR4X रैम देखने के लिए मिलेगी 256GB स्टोरेज के साथ। दोस्तों अगर दूसरे वेरिएंट की बात की जाए वहां पे भी आपको 8GB की रैम देखने के लिए मिलेगी 512 SSD के साथ। दोनों लैपटॉप में यहां दोस्तों आपको SSD देखने के लिए मिलती है। दोस्तों अगर आगे बढ़ा जाए इसमें एक इंटीग्रेटेड UHD का ग्राफिक कार्ड भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है, साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आपको HD वेबकैम का भी ऑप्शन दिया गया, सिक्योरिटी फीचर दोस्तों इनबिल्ट हार्डवेयर में आपको देखने के लिए मिलने वाला है इसके लिए। मतलब यहां पे दोस्तों 720 पिक्सल का एक वेबकैम, एक अच्छा खासा डिसेंट वेबकैम आपको मिल जाएगा सिर्फ 35,999 रुपये में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको 1.5 वॉट के स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे, 2 माइक्रोफोन भी इसमें दिए गए। मतलब अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या अपने कलीग से बात करते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं जो दूसरी किसी कंट्री में बैठी है, तो यहां पे आपको दोस्तों ना तो वेबकैम की चिंता करने की जरूरत है ना ही माइक्रोफोन की, यहां पे काफी अच्छे स्पीकर और माइक्रोफोन आपको दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात की जाए इनबुक X1 में, तो यहां पे आपको USB 2.0, USB 3.0, साथ ही साथ 2 USB Type-C पोर्ट देखने के लिए मिलेंगे, HDMI 1.4 देखने के लिए मिलेगा, सबसे अच्छी बात है 3.5mm का हेडफोन जैक देखने के लिए मिल जाएगा जो बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें इसमें वाईफाई 802.11ac देखने के लिए मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने के लिए मिलेगा वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे अगर बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको दोस्तों 55Wh बैटरी देखने के लिए मिलती है जिसमें आपको 65W का फास्ट चार्जिंग भी मिलता है, तो ये बहुत फास्ट तरीके से काम करने वाला है, फास्ट तरीके से चार्ज होने वाला है और काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन दोस्तों इसमें देखने के लिए मिल जाती है आपको। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इस लैपटॉप में ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है कि ये आपके स्मार्टफोन को भी दोस्तों बड़ी जल्दी चार्ज कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आप स्मार्टफोन भी इस लैपटॉप से अपना चार्ज कर सकते हैं, ये अलग से एक अनोखा सा दोस्तों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर इसके वेट की बात की जाए यहाँ पे 1.5 किलो के आसपास, 1 किलो 48 ग्राम इसका वेट बताया जा रहा है, मतलब 1.5 किलो के आसपास मान लीजिए इसका वेट निकल के आता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रो वेरियंट की और देखते हैं उसमें आपको क्या कुछ मिलने वाला है। दोस्तों यहां पे अगर इनबुक X1 Pro वेरिएंट की बात कीजिए तो X1 की तरह ही ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। यहां पे आपको प्रोसेसर, स्टोरेज और रैम डिफरेंट मिलने वाला है। मतलब अगर बात की जाए 14 इंच का डिस्प्ले इसमें मिलने वाला है जिसमें 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी, विंडोज 11 होम वर्जन मिलने वाला। यहां पे अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो i7 देखने के लिए मिलने वाला आपको 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ। और यहां पे प्राइस भी थोड़ा सा हाइक गया, 55,999 रुपीज दोस्तों इसका प्राइस रखा गया। यहां पे दोस्तों
अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी देखने के लिए मिलती है। सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस इसमें मिलने वाले हैं जो आपको X1 में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे अलग से वेब कैम भी दिया गया, काफी अच्छी बात है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों दोनों ही लैपटॉप आइडेंटिकल है। स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रो वाले वेरियंट में आपको i7 मिलता है, 16GB रैम देखने के लिए मिलती है और 512 स्टोरेज। इसके अलावा दोस्तों कनेक्टिविटी ऑप्शन ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, इवन डिस्प्ले भी सेम है। तो ये काफी अच्छी ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पे निकल के आए हैं। 36,000 रुपए से लेके 56,000 रुपए तक की रेंज में दोस्तों तीन ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप चाहिए, अपने बच्चे के लिए लैपटॉप चाहिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। सारे ऑप्शन काफी अच्छे दिए गए हैं दोस्तों। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा लैपटॉप आपको ज्यादा अच्छा लगा और आप कौन सा लैपटॉप दोस्तों यूज करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।